गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा नरेन, सुजा, सूरज, अथर, सोहम एंड एवरीवन। आज देखो, होमवर्क मैंने आपको दिया था, दिया दो मतलब मैंने भेजा था आप लोगों के लिए, है ना? होमवर्क बेटा किया सभी लोगों ने? ठीक है, चलो होमवर्क बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग कुछ पढ़ लेंगे। लास्ट लास्ट के हाफ आवर में ना हम लोग फिर होमवर्क डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कन्फर्मर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन और कन्फर्मर आइसोमर ऑफ इथेन के बारे में समझा दिया था, और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना भी सिखा दिया था, ठीक है ना, ऑफ एंटी और गॉज फॉर्म के। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आप लोगों को। अब थोड़ा ध्यान से समझना, आज मैं स्ट्रक्चर तो नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट अब आज हम लोग ओरली समझते, क्योंकि आप एक्चुअली एक बार आपको फिगर दिमाग में है सेट कि फिगर कैसे बन रहा था, तो अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा तो आपको आई थिंक वो इमेजिनेशन दिमाग में फिगर बन जाएगा कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है गॉच इफेक्ट। अब ये गॉच इफेक्ट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले समझते हैं गॉच इफेक्ट का मीनिंग क्या है। तो देखो, अभी हम लोगों ने ये सीखा था कि जो एंटी फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि एंटी फॉर्म मतलब स्टेगर्ड का जो एंटी वाला पार्ट होता है ना, मतलब स्टेगर्ड, सुनना मेरी बात, चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ दोबारा। अभी तक नॉर्मली क्या था कि जो स्टेगर्ड फॉर्म थी ना, स्टेगर्ड फॉर्म को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि दो फॉर्म होती हैं, एक इसकी एंटी फॉर्म होती है और एक इसको गॉच फॉर्म होती है इसकी, ये दो फॉर्म होती हैं। और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि एंटी आर मोर स्टेबल देन ऑफ गॉच फॉर्म, ये भी बताया था लास्ट क्लास में। अच्छा मुझे तो ये लास्ट वाला लास्ट लेक्चर का ये इतना पॉइंट सभी को याद है, अभी भावेश यार तुम लोग बीच में क्या बात कर रहे हो, तो भावेश कह रहा कैन यू एक्सप्लेन द टॉर्शनल स्ट्रेन अगेन। देखो मैं जो टॉपिक पूछ रहा हूँ उसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया करो, है ना, बाद में जो डाउट है वो पूछ लिया करो मुझसे, पिछली बार नहीं समझा था तो लास्ट लेक्चर में फिर आपने क्यों नहीं बोला मुझसे कि समझा नहीं सर। भावेश लास्ट लेक्चर में मैं कई बार पूछा ना किसको समझ में आया नहीं आया, मैं पूछता हूँ ना सबसे। यार देखो रिवीजन के वक्त बेटा वीडियो देखा था आपने, और जो मैंने इमेज बनाई थी, इमेज दिखाई थी आपको 3D में, क्या वो समझ में आई थी इमेज? क्या एक काम करो, तो फिर 2 मिनट वेट करो तो फिर मैं तुम्हें समझा। अच्छा किस किस को डाउट है बेटा टॉर्शनल स्ट्रेन और बॉन्ड डबल स्ट्रेन में? अथर महाजन को डाउट है, भावेश को डाउट है, एंड और उज्जवल को भी डाउट है। और भाई बता दो पहले सब लोग, है ना, फिर डिस्कस करते हैं फिर, तभी तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं, वरना लो मैं बताने वाला था तो समझ में आएगी नहीं। अच्छा अब तो बहुत लोगों को दिक्कत आ गई, तो पूछना चाहिए ना फिर यार, मुझे व्हाट्सएप करते या कुछ करते तो मैं आते ही वो डिस्कस करता। चलो एक काम करो, तो मुझे 2 मिनट का टाइम दो, है ना, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ, वो इमेज दिखा के सॉल्व कर देता हूँ मैं प्रॉपर, है ना।
सब लोग अवेलेबल लीजिएगा, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है ना। तो पहले एक बार मैं स्ट्रक्चर बना लूँ, है ना, फिर मैं आपको ऑनलाइन बिल्कुल आपको लास्ट क्लास जैसा फील आ जाएगा कि आखिर ये क्या होता है, ये टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है और बॉन्डल स्ट्रेन क्या होता है, एकदम आपको फील करा देंगे हम। अच्छा ये तो समझ रहे हो ना बेटा, जितना लेंदी बॉन्ड में दिखाता था इतना लेंदी बॉन्ड होता तो नहीं, बॉन्ड तो छोटे छोटे होते ना। ये तो चीज क्लियर है ना। ओके थिंक हो गया, अपना सिस्टम बन गया है, ठीक है ना। चलो एक आपको टॉर्शन स्ट्रेन समझना है और एक आपको बॉन्डल स्ट्रेन समझना है ना। चलो मैं पहले दोनों स्ट्रक्चर सेल्फ ड्रॉ कर लूं, फिर मैं आपको दोनों समझाता हूं मैं। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके हाँ, लेकिन तुमको फील होगा ऐसा आ जाएगा ना कि बस पूछो ही ना। चलो भाई एक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ ये हो गया है, दो में कोई बस कोई कहीं जाना नहीं है ना, बना लो आलू आधे लोग निकल जाए, बोले सारे अवेलेबल नहीं है शायद, तो मैं आपके लिए ही थोड़ा सा बिजी हूँ अभी। ठीक है, एक केस ये हो जाएगा, दूसरा है बॉन्डल स्ट्रेन का, है ना। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेन का तो आसान है समझाना। 2 मिनट बेटा बस। अपना हो गया है काम, अब मैं ऑनलाइन आ जाऊं, मैं दूसरे तरीके से इसका बेटा आज का आईडी पासवर्ड भेजो, लोगो भेजो क्या है आज का।
अरे आईडी पासवर्ड भेजो यार, मैं लॉग इन नहीं कर सकता ना यहाँ से ऐसे। मुझे लिंक मत भेजो। हाँ मीटिंग आईडी है आपका 890। एट टू टू 8229948 93। ए रजत, रजत बड़ा ने क्या पूछ, तुम क्या कर रहे हो? आईडी क्या तुम्हें पता ही नहीं यार? आईडी पासवर्ड क्यों भेज रहे हो? पासवर्ड क्या है, आईडी क्या है, दोनों अलग अलग है ना? नहीं यार तो मैं अपना खुद ही चेक कर लेता हूँ। एट नाइन जीरो ठीक है, 8908538387 16 ठीक है। और पासवर्ड है आपका 4141909001। चलो 2 मिनट वेट करो। ये C7 देखता हूँ मैं। ठीक है ये उल्टा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर आप लोगों को। अरे दिखाया सब कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है आप समझ तो समझो उसको, मैं दोनों स्ट्रेन समझा देता हूँ ठीक है ना। बॉन्डल स्ट्रेन भी है और आपके पास दूसरा है आपका टॉर्सन स्ट्रेन ठीक है ना। तो पहले स्कीम को मैं बड़ा कर देता हूँ मैं ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, कुछ स्ट्रक्चर तरीके का है तो देखो ध्यान से कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इसको यदि मैं रोटेट करता हूँ देखो ध्यान से, तो ये जो लोन पे देखो ऐसा समझो ध्यान से, ये जो एटम है ना, मैं आपको समझाता हूँ पेंसिल से। देखो ये जो एटम है ना, इस एटम इसके ऊपर ये दो लोन पेयर है ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके ऊपर। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पीछे वाले एटम का जो एलो वाला है ना, इसके पास रिपल्शन होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। अच्छा ध्यान से, इसको कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? टॉर्सनल स्ट्रेन। अब तो पॉइंट समझ में आया ना? और ये मैक्सिमम कब होगा? जब पीछे का एटम स्मॉल होगा तो लोन पेयर भी सरफेस पर होते हैं, तो सरफेस से सरफेस रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ, डाउट क्लियर हुआ पहले तो बताओ, टॉर्शनल स्ट्रेन समझ में आया? ठीक है, ये जिसने डाउट पूछा था भाई उसको भी समझ में आया ना भावेश? ठीक है दूसरा देखो, एकल वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसको थोड़ा फील करना है, उसमें जैसे ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो ध्यान सुनो, यदि मैंने बोला ये जो आपकी ग्रीन ये बॉल है ना,
यदि ये बड़ी साइज की बॉल है तो इसके पीछे ये बॉल होगी, यदि ये भी बड़ी साइज की बॉल होगी तो आपस में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा इन दोनों बॉल्स में, ड्यू टू द लार्जर साइज या बिग साइज ऑफ द ग्रुप, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन। ये क्या होगा, स्टेरिक स्ट्रेन होगा या फिर बॉन्डावल स्ट्रेन होगा, एनी डाउट? आप मुझे बताओ भाई, फील आ गया होगा प्रॉपर तरीके से भाई, बॉन्डावल स्ट्रेन और एंगुलर स्ट्रेन दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हुए? आप ज्यादा फील आया, अच्छी बात है, फील आ गया मतलब। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि जो आपका अभी तक जो लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर बनवाए थे उसमें यदि याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि यदि वे एंटी फॉर्म में होगा तो ना, ध्यान से, ये इस तरीके से होगा तो मोर स्टेबल केस होगा ना, ये देखो ध्यान से, होगा कि नहीं होगा? और गॉज फॉर्म कौन सी थी, सुनना ध्यान से, गॉज फॉर्म ये थी, देखो ध्यान से, इससे स्टेबल था कि नहीं था? ये मैं प्रॉपर इस तरीके से रख देता हूँ आपके सामने, ये था ना गॉज फॉर्म, गॉज फॉर्म आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ऑफ एंटी फॉर्म, एनी डाउट? ये बेसिक कंसेप्ट था अपना, है ना? बट चलो अब इसको यहीं रहने देते, ठीक है ना? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में समझाएंगे, इसको बना रहने दो, मतलब ऑनलाइन इसको रहने दो, ठीक है ना? स्ट्रक्चर प्रॉपर दिख रहा है सबको, ठीक है? अब देखो इसके आगे बताता हूँ मैं, अब जो मैं आपको लिखवा रहा था कि गॉच इफेक्ट होता क्या है, तो गॉच इफेक्ट पढ़ने के पहले हमें ये पता था कि एनटी आर मोर स्टेबल देन गॉच, तो ड्यू टू द गॉच इफेक्ट होता क्या है, तो मैं यहां नोट लेता हूं, ड्यू टू द गॉच इफेक्ट, ड्यू टू गॉच इफेक्ट, गॉच फॉर्म मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? मतलब गॉच फॉर्म के थ्रू क्या होता है कि गॉच आर मोर स्टेबल देन ऑफ एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है कौन सी, गॉच फॉर्म। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे कि ऐसा केस आएगा? अच्छा, ये केस उन्हीं कंपाउंड में लगेगा जहां पे गॉच इफेक्ट लगेगा, तो हम लोग सीखते हैं कि गॉच इफेक्ट कहाँ कहाँ लगता है पहले, तो ठीक है? पहला केस देखो ध्यान से, जैसे मैंने पहला केस लिखा आपका कि एक कंपाउंड, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, CH2 of NH2, ये अमाइंस है ये, ठीक है? मैंने कहा अच्छा चलो इसका आप 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना के दिखाओ, ठीक है? तो आप क्या करोगे, देखें समझना ध्यान से बेटे, बात बिना बात बेटा, इस क्वेश्चन में समझने के लिए हम लोग क्या क्या काम करेंगे कि इस स्ट्रक्चर को पहले कैसे ड्रॉ करना ये समझ लेते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको रोटेट करेंगे। एन के पास एक लोन पेयर है, एक एच है और एक एच है, जबकि सी के पास एच एच और साथ में क्या है, एक CH3 है। ये बनाना है स्ट्रक्चर हमें, किस बॉन्ड के अबाउट बनाना है हमें, बनाना है इस बॉन्ड के अबाउट बनाना है बॉन्ड, ओके? अब इस देखो, अब सुनना मेरी बात बेटा, फ्रंट पे सपोज हमने बेटा एन को रख लिया, फ्रंट पे कौन है, एन है, बैक में कौन है, कार्बन है, तो ऑब्वियस बात है कि जो स्ट्रक्चर देखने में लगेगा तो कुछ ऐसे ही बनेगा। देखो ध्यान से बेटा, एन के पास लोन पेयर है और उसके पास दो एच हैं, और जो आपका ये फ्रंट वाला केस था एक्चुअली, ठीक है? तो जो आपका बैक वाला केस होगा, तो बैक वाला केस देखो बताता हूँ मैं कैसे, ये ऐसे सर्कल होगा ना, देखो ध्यान से, और बैक वाली पोजीशन को मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ या फिर ग्रीन से शो कर देता हूँ मैं बैक पोजीशन को। इस बैक पोजीशन पे कौन होगा, एच होगा, एच होगा, या यहाँ CH3 का देते हैं और यहाँ पे एच होगा,
अब ये देखो ध्यान से, एच के अपोजिट में एच है, एच के अपोजिट में एच है, और लोन पे के अपोजिट में सी एस थ्री है, ये कौन सी फॉर्म होगी आपकी? एंटी फॉर्म होगी कि नहीं होगी? चलो बताओ पहले तो, ये एंटी फॉर्म बनाएगा। ओके, इसका दूसरा फॉर्म बना के देखते हैं हम लोग। अब दूसरा फॉर्म बनाया मैंने, तो इसका दूसरा फॉर्म हो गया कि भाई एन है, लोन पेयर है, एच है, और ये एच है, और ये उसी तरीके से आपका फ्रंट पे है एक्चुअली एन, बैक पोर्शन में आपका। अब यहाँ पे सपोज मैं सी एस थ्री लगा दूंगा तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी बेटा? आपकी गॉच फॉर्म बन जाएगी ना। ये कौन सी फॉर्म है आपकी? गॉच फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करता हूँ आपसे कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। तो बेटा थोड़ा सा डायग्राम याद करो जो मैंने अभी आपको बताया था। अभी मैंने जो आपको डायग्राम बताया था ना, उसको थोड़ा सा याद कर लो आप लोग। देखो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर में दिक्कत आएगी तो परेशान मत हुआ करो, ठीक है ना? चलो देखो, अब ये देखो, अभी जो सिखाया था वो कुछ ऐसे ही तो था आपके पास। देखो ध्यान से, अब बताओ ये यही हो गया ना? मतलब सिंपल सा क्या है, मतलब यहाँ पे मैं रुक जाओ, मैं तभी करके दिखाता हूँ, 2 मिनटों को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एकदम प्रॉपर एकदम टोटल फील आ जाएगा आपके पास। मतलब एन एटम, तीन हाँ और दो, बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखाई देगा जैसा ही होता है। मुझे चाहिए पेंटा वाला केस चाहिए कोई। ठीक है, मिल गया। ओके, और 2 बॉन्ड और बनाने हैं मुझे, तो एक काम करता हूँ। एक CH3 है ना उसके पास? चलो एक CH3 हो गया, दो H है, देखो ये बनाया मैंने स्ट्रक्चर, सुनना ध्यान से। अब ये देखो ध्यान से, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना बेटा, ये नाइट्रोजन है। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है ये तो पहले तो? हाँ, ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है। ओके, अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर देखो, जो रेड वाले हैं तो लोन पेयर है, एन के ऊपर जो आपके पॉइंट रेड वाले पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लोन पेयर है। थोड़ा डल हो रहा है शायद स्क्रीन, है ना? ठीक है, देखो जो ब्लू के ऊपर रेड बॉल है ना, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, और जो येलो बॉल्स है ना, ये हाइड्रोजन है, और जो ग्रीन बॉल है वो CH3 है।
ठीक है ना, आप समझो इस वाले केस में बेटा कि जो नाइट, देखना बेटा ये कौन सी फॉर्म बना दी, अच्छा मुझे ये बताओ पहले तो, मतलब ये अभी कोई फॉर्म नहीं है, हमें पहले एंटी फॉर्म बनाने दो पहले, दिस इज एंटी फॉर्म, ये होगी ना एंटी फॉर्म, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन लोन पेयर के जस्ट अपोजिट देखो सी एस ग्रीन वाली बॉल दिख रही ना, ये एंटी फॉर्म है, एक केस तो ये हो गया, और दूसरा केस कौन सी गॉच फॉर्म बेटा, ये होगी ना देखो ध्यान से, अब मुझे बताओ सुनना, अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, जो आपने गॉच फॉर्म बनाई, ये गॉच फॉर्म थी आपकी बेटा, गॉच फॉर्म में लोन पेयर और सीएसथ्री में डिफरेंस ज्यादा है ना, डिस्टेंस ज्यादा है, देखो ध्यान से बगल से देखो, डिस्टेंस ज्यादा दिख रही ना, बड़ी साइज का एटम होगा, लेकिन जब तुम एंटी फॉर्म बना रहे थे तो देखो ये जो हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर है पास पास में आ गए ना, तो इनमें रिपल्शन, इनमें कौन सा लग जाएगा, इसमें टॉर्सन स्ट्रेन लग जाएगा ना, टॉर्सन स्ट्रेन, ये बताओ समझ में आया नहीं आया, हाइड्रोजन और लोन पेयर में लगेगा टॉर्सन स्ट्रेन, क्योंकि एच की साइज भी छोटी होती तो वो भी सरफेस पर रहेगा और लोन पेयर भी सरफेस पर रहता है, तो दोनों में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब वहां पे क्या लग जाएगा, टॉर्सन स्ट्रेन लग जाएगा, जबकि गॉच फॉर्म में सी एस थ्री जो था वो दूर चला गया ना, क्योंकि बड़ी साइज का एटम था, देखो ध्यान से गॉच फॉर्म, देखो ध्यान से गॉच फॉर्म, ये काफी दूर निकल गया ना भाई, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें स्ट्रेन नहीं लगेगा, तो स्टेबल कौन होगा बेटा इसमें ज्यादा, विच आर मोर स्टेबल, गॉच या एंटी, गॉच फॉर्म मोर स्टेबल देन एंटी, अब मुझे बताओ बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है ना, मतलब यहाँ पे आप क्या कह दोगे बेटा कि एंटी फॉर्म ये आपकी लेस स्टेबल है, ये आपकी लेस स्टेबल है, और ये आपका बेटा कौन सा है, मोर स्टेबल केस होगा, ये आपका मोर स्टेबल केस होगा आंसर, हाँ मैं समझा रहा हूँ श्रेयस, ब्लैक बॉल के कार्बन है बेटा, ब्लैक बॉल पर्थ, बताता हूं अब आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू द टॉर्सनल स्ट्रेन, फिर से समझा देता हूं, सुन लो एक बार फिर से सुन लो, ये देखो ध्यान से, देखो एंटी फॉर्म की बात होगी तो एंटी फॉर्म ऐसे हो जाएगा, देखो एकदम बिल्कुल, मतलब थोड़ा कैमरे को देखो ऐसे दिख रहा ना, देखो ये श्रेयस कुलकर्णी, फिर से देख लो एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पे एच और रेड बॉल में रिपल्शन ब्लर हो जाएगा, थोड़ा नेट प्रॉब्लम रहेगी बेटा, आप सोचो ना वीडियो एक मोबाइल से दो दो नेट चल रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां से रिपल्शन हो जाएगा इनमें, और जबकि गॉच फॉर्म होगी तो गॉच फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, ये लोन पेयर और ग्रीन वाली एटम में रिपल्शन क्या हो जाएगा बेटा, कम रहेगा ना, अब तो पॉइंट क्लियर हो गया ना बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, मैंने टॉर्सन स्ट्रेन होगा क्योंकि सुरेश कुलकर्णी यहाँ पे लोन पेयर और एटम में रिपल्शन हो रहा ना भाई, रिपल्शन क्यों हो रहा, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना, सो इट इज द एंगुलर स्ट्रेन, सॉरी टॉर्सन स्ट्रेन, ओके नॉट अ बॉन्डर वॉल, एटम में थोड़ी रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया, ओके डन, अब मुझे बताओ पहली बात तो ये पॉइंट सबको समझ में आया है नहीं आया कि भाई यहाँ पे रीजन क्या है, टॉर्सन स्ट्रिंग की वजह से ऐसा कुछ हो गया है, और ऐसा आपको याद रखना है जब ऐसा कुछ होता है, तो आप लिख दो ड्यू टू द टॉर्सनल स्ट्रेन,
ठीक है। अब देखो, एक तो फैक्टर हो गया ये, एक फैक्टर और होता है भाई। एक फैक्टर समझ में आएगा कि टॉर्शन स्ट्रेन लगेगा तो आपको वहां पे कहना है गॉच आर मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, पहला केस। केस नंबर टू, अब मैं इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझा देता हूं, मतलब ये पॉसिबल है यहीं पे बनाना। जैसे मैंने ये फॉर्म किया आपका एटम, तो थोड़ा लाइट कलर करते हैं, ये था ठीक है ना। चलो आप समझो, यहां पे इस वाले केस में जो फ्रंट वाला पोजीशन है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कोई कार्बनिक का ग्रुप है, ये कार्बन है, और मैंने क्या किया यहाँ से बॉन्ड बनाया, यहाँ ये फ्रंट का है, क्लियर दिख रहा है आपको ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी दिखाता हूं मैं आपको ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरा आपका ग्रे से पॉसिबिलिटी। सपोज याद आएंगे सबकी जो 60 डिग्री एंगल रहेगा थे, ओके। और नेक्स्ट केस है आपका कि इसी में एक फॉर्म और पॉसिबल है, इनिशियल में आप एडिटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे पहले तो, कि भाई ठीक है ये आपके एंगल सब में 60 है ठीक है ना, मतलब एंगल आगे पीछे मत करना आप लोग भी। अच्छा आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है कभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी हुई है क्या? सबने पढ़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ जवाब दो ना, थोड़ा बड़ा आता है ना, होती क्या है मतलब, बिल्कुल नहीं आता क्या? अरे चलो कोई बात नहीं, अब मेरी बात समझे यहाँ पे ठीक है, बात की वो देख लेंगे, हम समझा देंगे तुम्हें कैसे समझाना, वो मेरी जिम्मेदारी है। देखो वैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि एक कंपाउंड लिखा जहां पे एच है, चलो बैक फ्रंट भी शो कर देते, तो यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एच और यहाँ पर एच है, जबकि दूसरे केस में यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एच और एच। आपको देखने पे समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये आपकी एंटी फॉर्म है और ये आपकी बेटा गॉच फॉर्म है ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग स्ट्रक्चर देखने के बाद। अब देखो मेरी बात, अब यदि मैं बात करूं कि कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बन जाए, कैसा एंटी फॉर्म वाला, देखो यहां पर दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको सिखाई थी। अच्छा एक चीज मुझे चीज बताओ, जो एक्स वाई जुड़े हैं वो बगल बगल वाले कार्बन पे जुड़े होंगे ना, या कहीं दूर जुड़े होंगे? कैसा भी कंपाउंड लिख दूं, एक्स और वाई हमेशा बगल वाले एटम पे जुड़े होंगे ना, तभी तो स्ट्रक्चर ऐसा बना होगा। ये ज्यादा वो है ना, तो आप एच को मत दिखाओ, एच को शो ही मत कर लो, एच को मत दिखाओ, केवल एक्स वाई की बात करते, सॉरी केवल मैं एक्स वाई की बात करता हूँ। यदि एक्स, सॉरी यार यहाँ पे तो वाई हटा दिया मैंने, तो देखो एक्स वाई की बात करता हूँ, एक्स वाई यहाँ एंटी फॉर्म में और यहाँ गॉच फॉर्म में, बाकी ग्रुप जुड़े हो रहे हैं उससे क्या मतलब है, बेसिकली एक्स वाई से कंपेयर कर रहे भी तो हम लोग। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, याद रखना। और मैं ठीक है, और यदि आप एच दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक एच वाले ही आ गए हैं,
ठीक है ना, एच वाले ही आए हुए, तो अब मैं एच लिख देता हूँ यहाँ, मतलब ये एक्स और वाई हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, तो इन दोनों का जो जनरल फॉर्मूला होगा, बता जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे होगा ना इसका जनरल फॉर्मूला, बताओ कोई डाउट इसमें। मतलब कार्बन की दो वैलेंसी वैकेंट है, एक पे एक्स जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन की ये दो वैलेंसी है, इस पे वाई जुड़ा हुआ है, हमेशा ऐसे ही कुछ रहेगा ना। अब देखो इसमें दो केस होते थे, और कौन कौन से, स्क्रीन के पीछे दिख रहा है क्या कि आपको कल वीडियो दिखाई दे रहा है केवल, मैं इसको पिन आउट कर दूं क्या अब मैं इस वीडियो को, चलो ओके अब मेरी बात सुनो। हाँ इतना देखो इसका, अब दो केस सीखे थे कि एंटी, देखो मैं अब तुम्हें एक जनरल केस क्या लिखवा रहा हूँ कि बेटा एंटी कन्वर्टिबल होता है और गॉज कन्वर्टिबल होता है, मैं डायट ग्रुप बता देता हूँ आपको, वो ग्रुप दिख जाए तो लिख देना एंटी फॉर्म है, और दूसरे ग्रुप दिख जाए तो लिख देना गॉज स्टेबल है, ऐसा केस लिखवा दूं जिसमें कि याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो पहला केस एंटी मोर स्टेबल देन गॉच, एंटी मोर स्टेबल है गॉच के लिए, गॉच से दूसरा केस क्या हो गया कि, चाहे पहले एक एक करके लिख लो है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, दोनों एक साथ पढ़ोगे दिक्कत है, पहले देखो एंटी मोर स्टेबल देन गॉच फॉर्म, ये कब कब होता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कब होती है, जब एक्स जो है तुम्हारा, जो एक्स वाला ग्रुप है ना, वो क्या क्या हो सकता है, तो देखो यदि दोनों अल्काइल ग्रुप हो, आर मैं एक काम करता हूँ इसको जनरल में ऐसे लिख देता हूँ, एक्स ग्रुप यहाँ लिख रहा हूँ, वाई ग्रुप में यहाँ लिख रहा हूँ, यदि दोनों आर ग्रुप हो जाए, तो दोनों अल्काइल ग्रुप हो, इथाइल मिथाइल कुछ भी लिखा हो, उसमें एन टी आर मोर स्टेबल देन गॉच रहेगा। दूसरा एसिड वाले ग्रुप आ जाए, एसिटेट वाले, दोनों में लिख दोगे क्या एंटी मोर स्टेबल देन गॉच, मतलब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल यदि मैं लिखूंगा तो बहुत इस एग्जाम्पल बन जाएंगे, अमोनियम आयन दोनों सिमिलर, दोनों सिमिलर ग्रुप यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे एक्स मतलब कोई भी हेलोजन आ जाए, एक्स और एक्स, इन सभी में एंटी आर मोर स्टेबल देन गॉच रहेगा। अब मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे जो एक्स है ना, यहाँ पे रीजन लिख देना, एक्स जो है, अरे सॉरी यार एक्स तो ऊपर वाला ग्रुप भी हो गया, इसको एक काम करो सी एल सी एल बी आर और आई लिख दो, यहाँ पे फ्लोरीन एप्लीकेबल नहीं होता है, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ही एप्लीकेबल है, मतलब एक्स यदि ये वाले ग्रुप हो और वाई ये वाले ग्रुप हो, तो हमेशा आप लिख देना एन टी आर मोर स्टेबल देन गॉच, एनी डाउट। नेक्स्ट केस देखो, सीरियस 2 मिनट रुक जाओ बेटा, है ना, अभी मैं केवल इतना कह रहा हूं जितना लिखा ये समझ में आया नहीं आया, एफ क्यों नहीं आएगा वो बाद में बात होगी तब सिखाऊंगा। एक सी एल और दूसरा बी आर होता तो तब भी बेटा एन टी आर मोर स्टेबल देन गॉच रहेगा, चलो ये मतलब वही मैं कह रहा हूँ बेटा, ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल बन जाएंगे ना, मतलब आप ऐसे कह सकते हो सर एक बी आर हो जाए दूसरा आई हो जाए तो क्या होगा, बिल्कुल एन टी आर मोर स्टेबल देन गॉच हो जाएगा, एक अमोनियम हो जाए एक सी एल हो जाए तब भी एन टी आर मोर स्टेबल देन गॉच हो जाएगा, मतलब इनकी आपस में कोई भी रिलेशन बन जाए हमेशा एन टी मोर स्टेबल देन गॉच रहेगा। अब तो क्लियर है, अब दूसरा केस आता है कि भाई गॉच आर मोर स्टेबल देन, अच्छा ये भैया समझ जाना स्टेबिलिटी के लिए सिंबल लग रहा है, वरना सोचोगे जी सर क्यों लगा रहे हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी के लिए कंसेप्ट है ये स्टेबिलिटी, ओके। तो अब देखो एक्स क्या होना चाहिए, तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे ओ एच हो और यहाँ पे ओ एच आ जाए, यहाँ पे एसिड ग्रुप हो और यहाँ पे भी एसिड ग्रुप हो,
यहाँ पे OHO, यहाँ पे FO। आपके आज तक एग्जाम में ये एग्जाम्पल कम से कम 2 बार IIT मेंस में आया है, OH और F का। ठीक है, NH2, OH, NH2। और ये जो मैं ग्रुप लिखवा रहा हूं ना, अभी तुमको लग रहा होगा सर याद करने पड़ेंगे क्या, तो नहीं याद नहीं करने पड़ेंगे, इसकी ट्रिक है याद करने की। केवल तुम्हारे सामने मैं जितनी भी पॉसिबिलिटी के लिए वो लिख रहा हूं केवल, जिसमें कि कभी धोखे से कंसेप्ट याद ना रहे, तो कसम पॉसिबिलिटी भी याद हो तो भी काम चल जाएगा आपका। तो देखो, अब ये दोनों यहाँ पे क्या देखेंगे, तुम्हारा गॉच आर मोर स्टेबल एन एनटी। देखो यदि अलग अलग होते तो क्या होता, एनटी आर मोर स्टेबल देन गॉच होता, दोनों साथ में आ गए तो क्या हो गया, गॉच आर मोर स्टेबल देन एनटी फॉर्म। और लास्ट जो था श्रेयस कुलकर्णी का जो डाउट था सर, एफ और एफ, यहाँ पे गॉच। अब एक्चुअली आपने टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए मैं केवल रीजन लिख देता हूँ, जब टॉपिक आएगा तो सिखा दूंगा। ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, और जो लॉजिक होगा ये मैं आपको जीओसी में दे दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी एक्सप्लेन भी कर दूं तब भी नहीं समझ पाओगे आप। तो ये आपके बेटा एक्स और वाई ग्रुप होगा, और इसकी इसका रीजन होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सुनो, इसका ट्रिक कहो या फिर कंसेप्ट कहो तो सुन लो ध्यान से। जब आपको एमके सर केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे होंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे इसका फुल एक्सप्लेनेशन एच बॉन्डिंग का। तो ऐसे पेयर ऑफ ग्रुप जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उन सभी केसेस में गॉच आर मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। एनी डाउट, मतलब अभी स्टेटमेंट में डाउट तो नहीं है ना, ग्रुप कौन कौन से एच बॉन्ड बनाते नहीं बनाते वो अलग बात है। अभी तो ये चीज स्टेटमेंट क्लियर हो गया ना कि जो मैं कह रहा हूं, क्या ग्रुप विच फॉर्म एच बॉन्ड विद ईच अदर गॉच आर मोर स्टेबल देन एंटी। ना बताइए मुझे कोई डाउट, अब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा किसी को भी। ठीक है, तो इसका रीजन जो है तो मैंने आपको वैसे लिख ही दिया है, और इसी को हम लोग कहते क्या है, एक नाम भी है इसका, इसका नाम हो जाएगा बेटा आपका क्या, कि इंट्रा मॉलिकुलर। आप ऐसे एकदम तो कोई पूछे क्यों ऐसा होता है, तो ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्ड गॉच आर मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ठीक है, अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया है। बच्चों रिप्लाई दो ना, तो मैं एक केस और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें कि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या है इसमें, जैसे मैंने लिखा कि एक कंपाउंड लिखा, इन केस ऑफ एक जी ग्रुप लिख दिया और CH2 ऑफ OH लिख दिया, एक कंपाउंड है ये जी। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये इस वाले केस में गॉच आर मोर स्टेबल देन एंटी हो जाए,
पता मैंने क्या किया, एक्स और वाई में वाई डिसाइड कर दिया कि वाई जो होगा वो ओ एच होना चाहिए, तो एक्स क्या क्या होना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा? इस कंपाउंड में मैंने वाई को डिसाइड कर दिया है और एक्स पूछ रहा हूँ एक्स क्या होगा, एक्स की जगह पे जी लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे जी कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे, तो वो ग्रुप में फिर से डिफाइन करता हूँ। वैसे इस यहाँ पे लिखे हुए लिस्ट में ये ओ एच हो गया, एन एच टू हो गया, एफ हो गया, ठीक है, एन ओ टू हो गया, जो नहीं लिखे हैं वो भी देख लेना इसमें आ जाए, शायद ये हो जाएगा, सी एच ओ हो जाएगा, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे। लेकिन जो अभी तक केस पूछा गया है ना, वो केस इसका पूछा गया थर्ड वाले का, देख लो ध्यान से एक बार। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो ये वाला, ये वाला, लेकिन वो थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वो सिखाता हूँ कैसे। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? ओके, अब इसके एग्जाम्पल है ना, तो सिद्धेश मैं भेजूंगा बेटा, है ना ग्रुप। अच्छा एक चो जो आप लोग ग्रुप बनाए थे ग्रेविटियन नाम का, उसमें सब बच्चे अटेंड क्या? अच्छा सभी बच्चे ऐड हैं, वेरी गुड, ऑलमोस्ट ऐड है, वो कह रहा है अथर्व महाजन कुछ नहीं होंगे, मैं नहीं हूँ श्रेया सिंधिक, तुम क्यों नहीं हो श्रेया सिंधिक, तुम भी हो जाओ ना ऐड, क्या दिक्कत है? मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जो अपना जो कंटेंट है ना, जैसे जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो ये लिख ना हो पाए, तो ऐसे मैं सोचा था आपकी ग्रुप में भेज देता हूँ डायरेक्ट, इस ग्रुप में ना भेज के डायरेक्ट उस ग्रुप में भेज दिया करूंगा मैं। चलो देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल, मैं भी नहीं, चलो चलो ठीक है देखता हूँ, चलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने लिखा कि सी एच टू ऑफ ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू एफ, ये कंपाउंड है, बताओ मुझे इसमें गॉच स्टेबल होगा कि एंटी? गॉच आर मोर स्टेबल देन एंटी, वेरी गुड, गॉच मोर स्टेबल देन एंटी, रीजन पता है ना, ड्यू टू द इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कैसे, कौन सी एच बॉन्डिंग होती कैसे होती है, तो देखो स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ मैं, आप ऐसे बनाओ जैसे वो बनाया था ना मैंने साइकिल भर के, इस तरीके से देखो, और एक केस और बना देता हूँ मैं, ज्यादा ही ऊपर हो गया ये तो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एफ और यहाँ पे एच, दूसरा केच यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एफ, एच 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 और एच, तो ये होगी एच बॉन्डिंग, यहाँ पे ये है एच बॉन्डिंग, ये पास में है ना इसलिए एच बॉन्डिंग हो जाती है, इसमें नहीं होती है, और ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी एंटी, ये कौन सी हो गई गॉच, तो गॉच आर मोर स्टेबल देन एंटी, एनी डाउट? और जब एमके सर से वो सीख लोगे ना आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये टॉपिक और इजी लगेगा फिर तो, यहाँ पे इतना दिमाग भी नहीं लगाना फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ मुझे सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू, यहाँ पे लगाया मैंने एसिड, यहाँ पे लगाया एसिड, बताओ कौन सी फॉर्म होगी, गॉच आर मोर स्टेबल देन एंटी, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, अब एंटी, वेरी गुड, एंटी आर मोर स्टेबल देन गॉच, ये सबको दिमाग में बिल्कुल एकदम फंस रहा है ना। ओके ओके ओके, फोर्थ एग्जाम्पल कि
बताओ। वेरी गुड, एंटी मोर स्टेबल देन गॉच। वैसे मैंने ग्रुप लिखवा दिए तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है ना इसमें बताना। इसमें चलो भैया, अब आप लोग क्वेश्चन लगा लोगे मतलब इसके, है ना। बस इसमें यही बताना पड़ता है गॉज स्टेबल है। वो पूछते हैं, अच्छा जो ऑर्डर होता है ना केवल यही ऑर्डर चेंज होता है, बाकी ऑर्डर बिल्कुल सिमिलर होता है। मतलब आप गॉज आगे लिखोगे, एंटी लिख दोगे, फिर एसक्यू लिखोगे, और लास्ट में लिखोगे कौन सा, पार्शल स्क्रिप्ट और फुल स्क्रिप्ट। रीजन समझ में आया ना। केवल ये दो अपनी पोजिशन चेंज कर लेंगे, बाकी जो जिस पोजिशन पे था उस पोजिशन पे रहेगा। ओके क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। डन, यहां तक अपना ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसी का एक नया टॉपिक, कन्फर्म और आइसोमर का नया टॉपिक। यहां तक बेटा सबको क्लियर हो गया, गॉच एंटी ये सब मतलब कहानी है ना। ओके अब बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा याद रखना, अब आप लोग अपने दिमाग में ही इमेज बनाएं, क्योंकि अब जो मैं स्ट्रक्चर कराने वाला हूं ना, अब मैं आई थिंक ना एक्सप्लेन कर सकूंगा आपको उस तरीके से। ठीक है, कोशिश तो करूंगा मैं, कर दूं। ठीक है, बाय द वे ना कर पाऊं तो थोड़ा समझने की कोशिश आप सेल्फ कीजिएगा थोड़ा सा। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि करूँ उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका कि साइक कन्फर्मर ऑफ, कन्फर्मर ऑफ साइक्लो अल्केन। ठीक है ना, अब कन्फर्मर ऑफ साइक्लो अल्केन देखना ध्यान से बेटा। अब हमें साइक्लो अल्केन में बनाना है कन्फर्म आइसोमर, क्योंकि उसमें भी तो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, उसमें तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है ना, फ्री रोटेशन। तो कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है वो समझते हैं हम लोग ध्यान से। पहला केस आता है तुम्हारा, इसमें ट्राइंगल नहीं बनता कहीं पे, क्या नहीं बनता है ट्राइंगल। चलो हम लोग बना लेते हैं ट्राइंगल। तो फिर पहला केस होता है ट्राइंगल का, मतलब साइक्लोप्रोपेन का केस है पहला। तो ठीक है ना, साइक्लो देखो यहाँ इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लिपिंग, कहते क्या कहते हैं, फ्लिपिंग, फ्लिप करना। अब मैं एक काम करता हूँ, ट्राइंगल क्या हो सकता है देखता हूँ, यदि मेरे घर पे कुछ ट्राइंगल डला होगा अभी हाल फिलहाल। नहीं, वैसे ट्राइंगल ना बन जाता है, और आई थिंक बना के दिखाऊं क्या, कह रहा दिखाओ, मजा आने लगा तुम लोगों को भी है ना खेल में। अब अरे बस 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 बस, बस। रुक जाओ भाई बच्चों, रुक जाओ रुक जाओ। थोड़ा पेशेंस 2 मिनट रखो तो हम आपको वो भी दिखा देंगे।
कल से ना बना के बैठा करूंगा मैं, है ना, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। अब तो मैं इमेज दिखाऊंगा ना बना के। अब एक काम करो ना 2 मिनट के, तो मैं एक दो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर मुझे चाहिए होंगे, तो दोनों स्ट्रक्चर मैं बना के प्रिपेयर करता हूँ, फिर दोनों एक साथ दिखा दूंगा, तो टाइम बच जाएगा हमारा। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा? अच्छा, ये देखो ये बन गया सामने आपके, है ना, साइक्लो प्रोपेन है ना ये। अब मुझे बताओ, सुनना, आप थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या बेटा, आप इसको फ्लिप कर सकते हो, मोड़ सकते हो क्या? मोड़ोगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे ना सारे ये। क्या ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्लिप हो सकता है, मुड़ सकता है क्या? नहीं मुड़ सकता ना, मतलब साइक्लोप्रोपेन में या साइक्लोप्रोपेन के कन्फर्मर आइसोमर ड्रॉ नहीं होते हैं। पॉइंट समझ में आया बेटा? साइक्लोप्रोपेन के कन्फर्मर आइसोमर ड्रॉ नहीं होंगे, एनी डाउट? ठीक है, और एक स्ट्रक्चर और देख लो, मैं अभी जस्ट बना के दिखा देता हूं। दो मिनट अब भी आप मुझे तो ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है साइक्लो ब्यूटेन दिख रहा है ना, आप मुझे बताओ साइक्लो ब्यूटेन भी फ्लिप हो सकता है क्या? कहीं से बताओ, कहीं से ऐसे मोड़ दो आप, कहीं मुड़ता है कभी ऐसे? नहीं मुड़ेगा ना, मतलब साइक्लो प्रोपेन साइक्लो ब्यूटेन में कन्फर्मर आइसोमर ड्रॉ नहीं होते हैं। अच्छा एक चीज और समझ लो ध्यान से, क्या आप देख रहे हो ना बॉन्ड मुड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये फ्लिप थोड़ा मोड़ दिख रहा है ना बॉन्ड में, बॉन्ड स्टेट तो नहीं दिख रहा है, बॉन्ड स्टेट नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि साइक्लो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर नहीं होता है ये, बनाते जरूर है हम लोग इसको इस तरीके से, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी 2 मिनट रुको, तो मैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ आपको, एग्जैक्ट हम समझते ऐसे हैं, होता कैसे वो देख लो।
ऐसे होता है, देखो ध्यान से, ये जो है ना इस तरीके से होता है, देखना ध्यान, इस तरीके से ये तीन एटम प्लेन में थोड़ा सा ऊपर की साइड रहता है, ये समझ में आया क्या? बेटा समझ में आया ना? ध्रुवीय, वाई लाइक डेट, लाइक डेट। चलो मैं बना के दिखाइए, तो मैं स्क्रीन पे शो कर सकता हूँ, ठीक है? तो चलो इसके बारे में पॉइंट लिख लेते पहले, ठीक है ना? इसके बारे में पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे साइड में? पहला पॉइंट ये हो जाएगा, इसका प्लेनर रिंग होती है, क्योंकि एक प्लेन में स्ट्रक्चर होता है हमेशा, ये एक प्लेनर रिंग है ये। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं होगी, मतलब ये मुड़ेगा नहीं, फ्लिप नहीं होगा। जब तक कोई स्ट्रक्चर फ्लिप नहीं होता है, वो कभी कन्फर्म आइसोमर नहीं बना सकता है। नेक्स्ट, चलो ठीक है, नो कन्फर्मर आइसोमर, तीन पॉइंट क्लियर हो गए आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, अब है साइक्लोब्यूटेन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये नो रिंग प्लेनर या नो प्लेनर रिंग लिख दो आप, है ना? नो प्लेनर रिंग, ठीक है? प्लेनर रिंग हो गई आपकी, इससे नेक्स्ट पॉइंट ही हो जाएगा आपका क्या, कि नो फ्लिपिंग, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है तब भी ये फ्लिप नहीं करता है, नो फ्लिपिंग। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नो कन्फर्मर आइसोमर, नो कन्फर्मर आइसोमर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो आप ऐसे लिख दोगे, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लाइक अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप होता है, टू डिक्रीज देयर एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है ना? तो ये बेटा याद कर लेना इसका पॉइंट ये, ठीक है, कि इसका कैसा होता है आपका बटरफ्लाई शेप होता है। अच्छा, बटरफ्लाई शेप कैसे होता है, सुन लो ध्यान से, 3D स्ट्रक्चर है, थोड़ा ध्यान देना वरना सब ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं अलग कलर से शो करता हूँ इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो ऐसे होता है ये। ये तो प्लेन में ही है, ठीक है, ये प्लेन में है तीन आइटम, ये चौथा आइटम ना प्लेन के ऊपर निकल गया, ये इस तरीके से, ये है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, पहले ये बताओ, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तीन एटम प्लेन में है और प्लेन से ऊपर है ये। आप बेटा सीरियस, यदि ऐसे बोलोगे बेटा तो हर चीज का 3D तो बेटा मैं नहीं समझा सकता ना बना के, तो खुद समझा। मैं कह रहा हूँ तीन एटम प्लेन में और एक एटम उसके ऊपर है, स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे? एंगुलर स्ट्रेन को साइड में रखो अभी, है ना, वो क्यों है वो रीजन बताता हूँ मैं अभी। पहले ये बताओ, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर? आपको हर चीज 3D पॉसिबल नहीं है ना समझाना मेरा बेटा। नहीं, एंगुलर स्ट्रेन में क्या करूं, अभी साइड में रखो भाई, क्यों एंगुलर स्ट्रेन में फंस जाते हो? मतलब जो टॉपिक मैं कह दूं वो जरूर तुम लोग कोशिश करते हो उसको पहले पूछ लूं मैं, है ना?
चलो मैं वैसे कोशिश हो गया विजुलाइज, अच्छी बात है बेटा हो गया तो, है ना। वैसे कोशिश तो मैं करता हूँ कि सभी चीज को समझाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो 3D में पॉसिबल नहीं है मेरे द्वारा बनाना। देखो मैं फिर से कोशिश किया है मैंने, देखो फिर से बताता हूँ मैं आपको, ये देखो 3 एटम प्लेन में है और एक प्लेन से ऊपर है। ध्रुविल बेटा तुम, मैं बता रहा हूं, मैं तुमको लग रहा है ना बहुत अभी मजा, अभी आगे चल के जो स्ट्रक्चर आने वाले हैं ना वो पॉसिबल नहीं है मेरे द्वारा बनाना हुआ। अब तो कुछ लोग जबरदस्ती मतलब समझ में आ भी जाता भी नहीं सर, आप बना के दिखाओ एक बार, कुछ ऐसा चल रहा है क्या? अब समझ में आया बेटा ये किस तरीके से हो जाएगा? ये 3 स्ट्रक्चर प्लेन में एक प्लेन से हटके, ये है साइक्लो ब्यूटेन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल, देखो बिल्कुल पास से क्लोज व्यू भी देख लो भाई इसका, देख लो। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है, इसको फ्लिप करना पॉसिबल नहीं होता कभी भी। चलो भाई ठीक है, अब आता है साइक्लोपेंटेन। स्क्रीन पे बना के दिखाऊं कि समझ गए हो? वैसे तो एक एट क्या कह रहे हो, रुक जाओ सूर्य, रुक जाओ यार, तो पहले टॉपिक खत्म हो जाने दो यार, है ना। मेन जो ध्यान अपन वो रख रहे हैं ना वो टॉपिक का है। और एज्यूम कर लिया ये ब्लू वाली बॉल्स जो है ना ये सरफेस से ऊपर है इस तरीके से, तो ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा, ये इधर और ये इधर, और 3D में एक्चुअली क्या होता है ऊपर ही दिखाना पड़ता है। तो ऐसे समझा दो ये ब्लू बॉल 3D में है यहाँ पे। ये हो जाएगा तो स्ट्रक्चर, ये जो ग्रीन बॉल है वो प्लेन में है, जो ब्लू बॉल है वो प्लेन के ऊपर है। ओके अब आ जाओ साइक्लोपेंटेन पर, तो साइक्लोपेंटेन बनाता हूँ पहले, तो नाम लिख रहा हूँ कि नहीं, अरे यार नाम भी तो लिखते जाओ यहाँ पे, ये है तुम्हारा क्या साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, अब आता है साइक्लो पेंटेन, और साइक्लो पेंटेन का डायग्राम पहले तो जो हम लोग बनाते हैं पहले, है ना, पहले वो बना लेते हैं, होता कैसा है वो अपन लोग बाद में समझते हैं। अच्छा जो होमवर्क दिया था डाउट ज्यादा है क्या आप लोगों को? नहीं है ना, ठीक है तो उसको देखते हैं अभी। ये हो जाएगा बेटा साइक्लोपेंटेन अपना, सुनना ध्यान से मेरी बात, अब इसके पॉइंट देखो। ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है आपका, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, यहाँ फ्लिपिंग नहीं होती है, यहाँ फ्लिपिंग नहीं होती है,
और जब फिल्पिंग नहीं होगी तो इसके आइसोमर भी नहीं बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो है था, इसका जो शेप होता है ना वो ओपन एनवेलप शेप होता है, ओपन एनवेलप शेप होता है, एनवेलप शेप होता है, मतलब लिफाफा देखा होगा आपने भाई, देखे लिफाफे शादी कार्ड या जो भी, तो बस ओपन एनवेलप मतलब यहाँ पे चार एटम एक प्लेन में रहेंगे, पांचवा एटम ऊपर की साइड निकल जाएगा। तो इसको हम लोग ओपन एनवेलप को बनाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, देखो समझाने के लिए ओपन एनवेलप स्ट्रक्चर को क्या कि इस तरीके से, चलो यही बता देता हूँ मैं। ये तो चार प्लेन में है और जो पांचवा वाला है वो प्लेन से हट के रहेगा ऊपर की साइड, ऐसे तभी वो 3D समझ पाओगे आप लोग। आई थिंक अब जरूरत नहीं है मुझे बताने की कि भाई अब इसका 3D कैसे, क्योंकि एनवेलप तो सबने देखा हुआ होगा कि भाई एनवेलप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। चलो भाई ये भी डन था अपना, और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको कि साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो प्रोपेन और साइक्लो पेंटेन ये कभी कन्फर्मर आइसोमर को ड्रॉ नहीं करते हैं, ओके। तो डाउट कितने हैं आप लोगों के, अप्रोक्स बताओ, चार पांच होंगे, 10 12 कितने होंगे डाउट वैसे? अच्छा दो चार डाउट हैं केवल, तीन चार, तीन चार। तो एक काम करो डाउट डिस्कस कर ही लेते हैं अब, है ना, नेक्स्ट पेज से डाउट डिस्कस करते हैं इसके आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर क्यों लेट कर रहे हो, डाउट हुए खत्म करो, वो आज बताने या कल, बात तो वही है ना, बताने तो लेक्चर में ही पढ़ेंगे ना मुझे। चलो अब आ जाओ, ठीक है भाई, डाउट बताओ ये कौन 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 से क्वेश्चन में डाउट्स है, मुझे तो याद भी नहीं मैंने कौन कौन से भेजे थे आपको। पूछना वही जो भेजे थे ना, जबरदस्ती सब मत पूछ लेना मुझसे। चलो बोलो भाई, एक्सरसाइज नंबर वन, एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 12 8, बस दो ही डाउट है, 12 और 8। हाँ बस 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 समझ गया हूँ, 8 और 12 डाउट है बस, और कोई डाउट नहीं है। एक्सरसाइज वन, नाइनटीन, हाँ तो एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 8 9 8 12 और 19। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं वो PDF निकाल लूँ पहले, है ना, वो कहाँ गया देखना पड़ेगा, है भी या नहीं। आइसोमर की एक्सरसाइज, आ 2 मिनट, 19 नहीं दिया था, डाउट क्यों पूछ रहे हो भाई, 19 नहीं दिया था तो फिर भाई मिल गया मुझे क्वेश्चन, मिल गया मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12, रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड, वो एक दूसरे के साथ आई, बेटा तो एक काम करो ना, क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ थोड़ा वेट करो ना, है ना, दिया नहीं दिया वो मैं बता दूंगा, देख के मेरे पास लिखा हुआ रखा है, ऐसा भी नहीं कि मेरे पता नहीं मुझे।
क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है विच ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द कंपाउंड। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो मैं शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन भी स्क्रीन के ऊपर, सब लोग देख लो, दिख रहा है सबको स्क्रीन के ऊपर ना? ठीक है, इसका बेटा सबसे बढ़िया क्या है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। क्या सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो जिसका अलग होगा उसको अलग कर दो, बाकी सब आइसोमर हो जाएंगे एक दूसरे की, क्या दिक्कत है इसमें? आदित्य कह रहा है फर्स्ट, क्या फर्स्ट? जो बोला मैंने ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोला सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो और जो मैच ना करे उसको टिक कर देना, वो एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। ओके ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 कह रहा है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांस टू, नहीं ये छोड़ दो अभी बेटा, ट्रांस नहीं जानते हो आप लोग, फिफ्थ क्वेश्चन में छोड़ दो, ट्रांस जानते नहीं तो करोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द कन्वर्ट इन द दिस एंड द वाई ऑर्थो आइसोमर विल गिव द मेट गिव द एम टाइप ऑफ दिस एंड एम आइसोमर विल गिव एन द एन टाइप ऑफ द दिस एंड द पी एच। ये तो बेटा क्लास में कराया क्वेश्चन है ना, C6H4Cl2 वाला, ये क्लास में क्वेश्चन नहीं कराया मैंने। यश ये क्लास क्या कराया, क्लास में कराया क्वेश्चन है मेरा, वो पूछ रहा है उसमें ऑर्थो, भाई मैंने सिखाया था टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, आपको ये बताना है कि ऑर्थो कितने हैं, मेटा कितने हैं और पैरा कितने हैं, ये तो आपको पता होगा ना ऑर्थो मेटा पैरा कैसे होता है। ठीक है, मतलब कल लोगे आप लोग। अब है 19th, 19th कहाँ गया? हाँ भाई टोटोमर कौन सा डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑब्वियस बात है आंसर में तो देख के बता दोगे आंसर कौन, डी आंसर हो जाएगा इसका यार। श्रेयस आपको बताओ मुझे OH वाला किस कराया था मैंने आपको, भाई एटलीस्ट SP2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए ना उसमें। नहीं समझे तुम कभी कभी यार श्रेयस, ऐसी बातें कर देते हो कि मुझे बताओ, ऐसे लिखा मैंने CH3 ऑफ CH2OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, क्या SP2 है क्या? पहली बात, और क्या ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, एच कहाँ ले जाओगे, किसका कहाँ ले जाओगे, जबकि बी ऑप्शंस में लिखा है नाइट्रो, एच क्या यहाँ पे बॉन्ड यहाँ आ जाएगा ना। तो मैं यही डाउट हो रही थी आंसर बी आएगा कि डी आएगा। चलो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है? 19th हो गया है, 8 हो गया है, 5 5th हो गया है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, अरे और कोई डाउट नहीं है बस, एक्साइड 2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्साइड 2 का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर द टर्शरी अल्कोहल। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है बनाने में भाई, ये तो तुम्हें बनाना पड़ेगा ना सीरियस स्कूल करनी भाई। हाउ मेनी, अच्छा 6 क्या लिख रहे हो, 6 क्वेश्चन में डाउट है क्या तुम लोगों को? सोनाली आदित्य यश, वो पूछा टर्सरी एल्कोहल कितने बनेंगे, मतलब ऐसा। हाँ सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में सीरियस कुलकर्णी C6H14O लिख रहा है, चलो जाओ मैं बताता हूँ, मैं C6H14O C6H14O लिखा मैंने, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे बनाना है टर्सरी एल्कोहल। तो पहले इसकी आइसो ना, और टर्सरी एल्कोहल का मतलब क्या होगा कि OH ग्रुप को उस कार्बन पर जोड़ना है जो कि 3 डिग्री होगा, वो
1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, ये 3 डिग्री एलकोल बस, और कोई 3 डिग्री एलकोल नहीं बन सकता इसमें। या तो आप ये बनाओ, या 3 डिग्री एलकोल यहाँ बना दो, वो केवल 3 डिग्री एलकोल की तो बात कर रहा है, केवल 1 2 3 4 5 बना लोगे ना, दो होंगे इससे पीछे, 3 दिया आंसर। अच्छा ऐसी बात है, वो चेक कर लेते यार। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स, ये हो जाएगा ना? नहीं कर, नहीं, ये नहीं होगा। ये थर्ड वाला कौन सा होगा फिर? 3 डिग्री अल्कोहल की बात होगी ना। OH यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, हाँ तो एक OH और आ जाएगा, सही बोला, ये आ जाएगा ना। आप समझ में आ गया? सीरियस कुल करनी, तुमने स्ट्रक्चर शायद गौर से पढ़े नहीं थे, C6H14 के, C6H14 के स्ट्रक्चर में नहीं बनवाए थे ना सभी? नेक्स्ट बोलो, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन था? सिक्स क्वेश्चन था ना आप लोगों का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन, क्लास में कराया क्वेश्चन है ये, क्लास में करवाया था, C3H6 और Br2 के स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, कितने सेकेंडरी एल्केन है, कितने, अच्छा, C3H6 है तो बना लो यार। जैम डाइहैलाइड के बारे में बताया था आप लोगों को, जैम डाइहैलाइड और विश्नल डाइहैलाइड के बारे में क्या? अरे बोलो भाई, नहीं बताया था? हाँ तो सुन लो मेरी बात, सुनो सुनो, जब किसी चेन में एक ही पोजीशन पर दो हेलोजन जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं जैम डाइहैलाइड, और जब बगल बगल वाली पोजीशन पर जुड़े होते हैं तो कहते विश्नल डाइहैलाइड। ये नोट कर लेना कॉपी में, अपनी में लिख लो ये, यदि एडिसेंट पोजीशन पर है तो विश्नल है, और एक ही पोजीशन पे है तो जैम है। नेक्स्ट, अब कोई डाउट नहीं है इसका मतलब, वेरी गुड। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? अच्छा वो PDF जो है ना, मुझे मैसेज करना है तो मैसेज भेज दूंगा, ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ मैं आज, ये दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है ना? ओके बाय बेटा, समझ में सबको आया ना? हाँ समझ में आना चाहिए सबको, बस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है। भाई 3D देखने में मजा तो आता होगा है ना, ये तो बात क्लियर है, एकदम बिल्कुल फील स्ट्रक्चर बन जाता होगा दिमागों में तो सबके।